इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रयागराज में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को, लोगों की बीमारी को देखते हुए एक चाय बेचने वाले ने लोगों की मदद करने के लिए डेंगू चाय नाम से एक अलग ही आयुर्वेदिक चाय फ्री में पिलाना शुरू कर दिया है, जिससे लोग अपनी इम्यूनिटी और प्लेटलेट बढ़ाने में सहायता मिले। आपने कई तरह के नामों से बिकने वाली चाय के नाम सुना होगा, लेकिन डेंगू चाय का नाम शायद ही सुना हो। आइए हम ले चलते हैं डेंगू चाय वाले के पास। प्रयागराज के फवारा चौराहे के पास पीबो चाय के नाम से चाय की दुकान का बड़ा सा बोर्ड लगा है। बोर्ड पर लिखा है डेंगू चाय। यहाँ डेंगू की रिपोर्ट दिखाते ही आपको डेंगू चाय से भरा कुल्हड़ मिल जाएगा। सुबह से रात तक लोग यहाँ चाय पीने के लिए पहुँच रहे हैं। दुकान पर चाय बना रहे विशाल ने बताया कि डेंगू का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि हर घरों में कोई ना कोई डेंगू से पीड़ित है। डेंगू चाय नाम रखने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ फ़ायदेमंद चाय पीने के लिए आएँ। रुपये लेकर तो चाय सभी पिला रहे हैं, लेकिन हमने बिना पैसों के चाय पिलाने का निर्णय लिया। जो लोग रिपोर्ट डेंगू की दिखाते हैं उनके लिए स्पेशल डेंगू चाय बनाते हैं। ये चाय सामान्य नहीं बल्कि तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, गिलोई आदि फायदेमंद चीज़ों से मिलाकर बनाई जाती है। इसे कुल्हड़ में देकर और ये लोगों को भाता भी है, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। ऐसे में यहाँ लोगों की चाय पीने की भीड़ भी दिखाई थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का और ग्राहकों का, आइए सुनाते हैं। ये प्रयागराज में कि पिछले कई दिनों से डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने अपने चाय के स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को फ्री काढ़ा जो है यहाँ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कई रिक्शा वाले आते हैं, कुछ ऐसे गरीब लोग आते हैं जो दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम लोग अपने चाय के इस बिज़नेस से प्रॉफिट को अपने एक महीने के लिए कट किया और उस प्रॉफिट से ही ये सेवा का कार्य में लगाएं। कोई भी जो है डेंगू की रिपोर्ट दिखा के हमारे यहाँ से ये काढ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। कई लोग सुबह शाम ये काढ़ा पीने आते हैं और उनको काफ़ी बेनिफिट हैं, ये वो लोग खुद बताते हैं। जी हाँ, ये प्योर आयुर्वेदिक है। क्या नाम है? विशाल। ऐसी तो कोई वजह नहीं है, बस अच्छा लगा, यहाँ पे नाम सुना है मैंने बहुत ज़्यादा, तो बस हम आ गए। पीना चाहिए, सबको पीना चाहिए, और हम आगे भी मतलब अगर सच में ऐसा है कि ये चाय पीने से डेंगू ठीक हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि मतलब सभी को हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आए और आकर के यहाँ पे चाय पिए। अब यहाँ दरअसल ये चाय जो है इन्होंने स्पेशली केवल डेंगू के मरीजों के नाम से लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये है कि अदरक है, इलायची है, लौंग है, ये सब चीज़ें जो मिला के पिला रहे हैं, ये कोई इसी दुकानदार के यहाँ नहीं दे रहे हैं। क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि समय जो लोगों के प्लेटलेट घटी जा रही है, घबराए हुए हैं, उसकी वजह से ही अपना पीते रहते हैं कि चलो कुछ तो बचे रहेंगे। मेरा नाम पारसनाथ। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार डेंगू के डंक से पीड़ित की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें प्रतिदिन मरीज इससे पीड़ित हो रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं बात करें अस्पताल की तो मरीजों की बेड भरते जा रहे हैं। डेंगू होने से अगर सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती। कुछ लोग बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह बिना दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेंगू होने पर ऐसा करना बेहद खतरनाक होता है और प्लेटलेट्स काउंट तेजी से घटने लगते हैं। प्लेटलेट कम होने पर इंटरनल ब्लीडिंग समेत कई खतरे पैदा हो जाते हैं। ऐसे सवाल उठता है कि डेंगू होने पर कौन सी दवा लेना सुरक्षित है और किन दवाओं से बचना चाहिए। क्या कहना है इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है डॉक्टर संजीव यादव का। डेंगू के बुखार में तेज बुखार, सरदर्द, बदन दर्द और होता है, जिसके लिए लोग जल्दी से रिलीफ पाना चाहते हैं। डेंगू के बुखार में चूँकि प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरता है, इसलिए जो दवाएं प्लेटलेट्स को कम करती हैं, जैसे स्टेरॉयड, निमोसलाइड, आइबुप्रोफेन, डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। केवल पैरासीटामॉल 650 mg, अगर वेट ज़्यादा है तो, वेट 50 से कम है तो 500 mg, ये दवा जो है सबसे ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है और आसानी से अवेलेबल है। इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 दिन से अधिक बुखार रहता है तो जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें, अपने आप से कोई भी दवा ना लें। इस नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होता है। सभी वायरल फीवर में प्लेटलेट्स गिरता है, डेंगू में, चिकनगुनिया में,
फैल्सीफेरा मलेरिया, सेप्टिसीमिया और भी प्लेटलेट्स गिरने के कारण है, तो प्रॉपर जांच कराएं और जब तक जांच ना कराएं तब तक कोई भी पेन किलर ना लें, केवल पैरासीटामॉल लें या ट्रामाडॉल ले सकते हैं। प्लेटलेट्स जब 20,000 से कम होती है तब जो है नाक से या गम से या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसके ऊपर 20,000 से ऊपर रहने पे अमूमन कोई ख़तरा नहीं रहता है ब्लीडिंग होने का। संगम नगरी प्रयागराज में जहां समाज कल्याण विभाग व ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र व प्रमाण पत्र हेतु विकास भवन शाश्वत सभागार में एक पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लालजी प्रसाद निर्मल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम शामिल हुए। वहीं आज यहाँ पर ट्रांसजेंडरों के फॉर्म भी भराए गए और ऐसे में क्या कुछ कहा है और किस तरह से किन्नरों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुसार, प्रबल इच्छा शक्ति के अनुसार, जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको एक खुला आसमान मिला है 2019 का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमारी जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, जो हमारी स्पीच का अधिकार है, कानून की समक्ष समानता का अधिकार है, जो रोजगार का अधिकार है, ये सारे अधिकार अब इस समुदाय को प्राप्त होंगे। अभी तक इनकी स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। आप कह सकते हैं जिस प्रकार से आज़ादी के पहले इस देश में अनुसूचित जातियों की बदहाल स्थिति थी, न उनके पास रोजगार थे, न धन की व्यवस्था थी, न तो सम्मान था, ठीक वही स्थिति इस समुदाय की थी। और अब इनको अवसर मिल गया है और ये जो पंजीकरण इनका कराया जा रहा है, पंजीकरण कार्ड के माध्यम से उनको आवास भी मिलेगा, प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा, वो स्वास्थ्य का जो बीमा कवर है आयुष्मान योजना का उसके लाभान्वित होंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना के सारे लाभ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनको पिछड़ा वर्ग मान लिया गया है और 27% का रिजर्वेशन है। और मुझे जी जय श्री महाकाल, आज हम लोग का यही मेन उद्देश्य यही है कि जितना से जितना जल्दी से जल्दी प्रयागराज में और पूरा प्रदेश में ट्रांसजेंडर लोग का पहचान पत्र बने, उसी के तहत आज इस कार्यक्रम हम लोग ने किया गया और जितने ट्रांसजेंडर लोग का जो कार्ड बना था उनको हम लोग ने दिया। और फिर उसके बाद में जो ट्रांसजेंडर लोग को पंजीकृत कराना था तो उनके फार्म भर के आज पंजीकृत किया कराया गया। और बहुत खुशी की बात है, हमारे सरकार ट्रांसजेंडर किन्नरों को लेके बहुत संवेदनशील है और उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, तो उसका मैं सदस्य हूँ। तो इसी के तहत हम लोग जिला जिला में ये अभियान चला रहे हैं और जागरूकता कर रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कि आप लोग पहचान पत्र बनाइए, क्योंकि इस पहचान पत्र से जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका उन तक लाभ पहुंचेगा और जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, उनको वो सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से सोने चांदी के दाम में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा है और दुकानदार परेशान हैं, जहां सोने का दाम अब बढ़कर 52,250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है तो चांदी का दाम 58,250 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में बढ़े हुए सोने चांदी के दाम ने बाजारों में सन्नाटा दिखा दिया है और लोग अब परेशान हैं, साथ ही दुकानदारों को उम्मीद है कि शादी की लगन है और ऐसे में फिर से एक बार बाजार उठेगा, ऐसे में क्या कुछ कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का, आइए सुनाते हैं। चांदी का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है, इस वजह से मार्केट में काफ़ी सन्नाटा है, दीपावली के बाद से काफ़ी सन्नाटा है और आगे जो है लगन शुरू होने वाली है, हम लोगों को आशा है कि व्यापार अच्छा चलेगा। बाकी सोने के रेट है 52,250 रुपये, चांदी के दाम है 58,200 पर 10 ग्राम। दिनेश कुमार, ज्वेलर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट प्रयागराज, इलाहाबाद।
प्रयागराज जहां गेट नंबर 4 पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ताला लगाया गया था जिसे छात्रों ने तोड़ दिया है। विश्वविद्यालय ने ताला लगाने का कारण के पीछे सिक्योरिटी बताया था और उसके बाद अब जब ताला टूटा है तो ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की बात की है। साथ ही वहीं छात्रों का कहना है कि साइंस फैकल्टी गेट पर अगर हमें 4 किलोमीटर घूम से आने को कहा जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा, हमें परेशानी हो रही है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का और साथ ही छात्रों का, आइए सुनाते हैं आपको। से जायज़ मांगे हैं और इतनी जायज़ मांगे हैं कि हम लोग बआसानी इसको समझ सकते हैं। विश्वविद्यालय का साइंस फैकल्टी का जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया। इस फैकल्टी की अगर रौनक है इसी मेन गेट से है। आज कह रहे हैं आप छोटे गेट से जाइए, कल मैं कह रहा हूँ आप छोटे गेट को बंद कर दोगे और कहोगे 2 किलोमीटर से घूम के आप जाइए तो यहाँ के छात्र परेशान हो जाएंगे। हमें एक रीज़न बताएं कि मेन गेट यहाँ का बंद क्यों किया गया है। अशफाक खान, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 2 नवंबर को रजिस्ट्रार साहब ने एक नोटिस निकाली थी और बाकायदा उसमें रीज़न दिया था कि पिछले कुछ दिनों में चूंकि साइंस फैकल्टी के दोनों गेट खुले रहते हैं इसलिए यूनिवर्सिटी में उस कैंपस की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ बराबर हो रही है। 2 एक इंसिडेंट्स ऐसे आए जिसमें बाहरी लोगों ने कैंपस में कुछ छेड़खानी भी की और कुछ और दूसरे इंसिडेंट्स भी हुए फैकल्टी के साथ, तो इसलिए उनको उन तालों को इस तरह वाले कचरा वाले ताले को मतलब गेट को बंद कर दिया गया है और उसको खोलना गलत है, पूरी तरह से गलत है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा क्योंकि इट इज़ ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का काम बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी के कैंपस की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, शिक्षकों की, छात्रों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां करामत की चौकी सारा पब्लिक स्कूल के बाहर जहां पाइपलाइन फटने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई और ऐसे में गड्ढे में कई गाड़ियाँ भी जा गिरी और लोग एक विक्रम भी जहां गड्ढे में फंस गई। बता दें पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई घंटे तक लोग परेशान होते रहे। जहां काफ़ी देर समस्या के बाद नगर निगम व जल संस्थान के लोग यहां पहुंचे और जल निगम के लोगों ने यहाँ JCB लेकर पहुँचे थे जहाँ JCB के द्वारा जल निगम के लोगों ने गड्ढे में गिरी बाइकों को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। बता दें 2 बाइकें यहां ज़मीन धंसने के कारण गड्ढे में गिर गई जिससे बड़ा हादसा होते हुए भी बचा और यहां से दोनों गाड़ियों को JCB के द्वारा बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर पाइपलाइन फटने के कारण ज़मीन भी धंस गई जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था, मगर बड़ा हादसा होते होते टल गया और यहाँ नगर निगम और जल निगम के द्वारा गड्ढे से बाइक को भी बाहर निकाला गया और यहाँ पर पाइपलाइन जिस तरह से फटी थी उससे लोगों को छुटकारा मिला। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ कई महीनों से सब्जी के दाम बढ़े थे अब लोगों के लिए राहत की खबर है। सब्जियों के दाम अब बहुत कम हुए हैं जिसमें 5 से 6 रुपए किलो लौकी थोक दाम में बिक रही है तो सभी सब्जियों के दाम कम हुए हैं। अब नई आलू मटर या कोई भी सब्जी हो सभी के दाम कम हो गए हैं, प्याज के भी दाम इस बार नहीं बढ़े हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है मुंडेरा सब्जी मंडी के अध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं। बात ये सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते से दीपावली के बाद भारी गिरावट है। बाहर फुटकर के लोग भले महंगा बेचते मगर यहाँ पे इस समय 6 रुपए किलो आपका कद्दू है बिक रहा है, 5-6 रुपए किलो लौकी बिक रही है, गोभी भी ऐसे ही बिक रही, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेके 12 रुपए 15 रुपए पीस गोभी का थोक का दाम है, अच्छी अच्छी गोभी का 25 से 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है यहाँ पे थोक में। ये थोक का बाज़ार है, यहाँ थोक का रेट है और ये आपका ये क्या नाम से टमाटर का मूली भरे थोड़ी सी हल्की से मूली इसलिए महंगी है कि मूली अभी बरसात जो लगातार 2 बार हो गई तो मूली ख़राब हो गई थी, कुछ वो 1 महीने पहले बाढ़ का खतरा था उसमें डूब गया था तो महंगाई आ गई थी, मगर अब तो बिल्कुल महंगाई का कोई असर रह नहीं गया। अब कछार की कोई सब्जी समय है नहीं, इसी 10 दिन के अंदर नई मटर आ जाएगी, आलू आ ही गया है नया,
22 रुपए से लेके 26 रुपए 28 रुपए किलो तक नया आलू बिक रहा है। प्याज इस बार अब की बार प्याज के दाम बढ़े नहीं, प्याज बिल्कुल सस्ता है। सरकार को अंकुश लगा हुआ है इसमें, तो इसमें तेजी का रुख बन ही नहीं सकता। प्याज भी बहुत सस्ती है। मैं फल सब्जी व्यापार मंडल सतीश कुमार कुशवाहा अध्यक्ष नमीन मंडी मुंडेरा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाजार इंडिया के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित राजेश ने दर्ज कराई है। बता दें, बाजार इंडिया के पास गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके शॉपिंग करने गए थे राजेश कुमार, और गाड़ी यहां पर खड़ी थी। वहीं एक व्यक्ति ने राजेश कुमार के वाहन को गायब कर दिया है, जिसकी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके अब जांच में जुट गई है। जहां दबंगों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन गाड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इस पर किसी प्रकार से रोक नहीं लग रही है और खुलेआम गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। ऐसे में एक और घटना सिविल लाइन्स के बाजार इंडिया के पास से हुई है, जहां पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। अब देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, या वाहन इसी तरह से चोरी होते रहेंगे। और पीड़ित ने अब मामला दर्ज कराया है सिविल लाइन थाने में। संगम नगरी प्रयागराज जहां अब किन्नरों को सरकार ने अब पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, साथ ही अब इस समाज के उद्धार के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी लागू की है और अब इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, साथ ही इनका अब रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। ऐसे में किन्नरों ने खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है सरकार के इस कदम को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, ये तो पहचान पत्र हम लोगों की भलाई, हम लोग की अच्छाई के लिए ये पहचान पत्र हम लोगों को मिला है, जो कि ट्रांसजेंडरों के लिए। ये भी आज हमारी शहर प्रयागराज में ये हमारे मार्फत ये पहला ये कार्यक्रम है, जो कि पहले जगह से हम लोग को ये कार्ड सम्मानित किया गया है सरकार की, वो भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी माता जी जो कौशल्यानंद गिरी जी हैं ट्रांसजेंडर की, वो सदस्य हैं, हम उनको भी दिल से धन्यवाद देते कि उन्होंने हम लोगों के बारे में इतना सोचा, इतना समझा। हर तरफ से उनकी जय जयकार है, हमारी तरफ से, हमारे किन्नर समुदाय की तरफ से उनके लिए हमेशा कोटि कोटि नमन हम कौशल्यानंद गिरी जी को करते हैं। मैं हूँ कौशल्यानंद गिरी, महामंडलेश्वर प्रयागराज से नैना जी उनके शिष्य। हमें तो अभी अच्छा लगा है, देखिए कि हमारे आगे के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और पहले तो हमें ये सब पता नहीं था, और आज हमें कार्ड बनवाया गया है कि जिससे कि हमें जो आगे सुविधा होगी, आज तक तो हमें कभी ये जाना नहीं था, पर जो आज हमारे लिए हो रहा है, हमें बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो हमारे लिए कर रहे हैं। और जो कार्ड है हमारे, इसमें मेडिकल वगैरह जो भी है, स्कॉलरशिप वगैरह जो भी, सब फ्री मिल रहा है, और हॉस्पिटल में भी जो खर्चा लगना है वो भी अभी हमारे लिए कम किया गया है, और बहुत सारे हमारे लिए सुविधा हुई है। हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं जो हमारे लिए सुविधा की है। हमारा नाम हुस्ना है, हुस्ना नंदगिरी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।